उधर फीफा के सामने फुटबॉल यूनियन ऑफ रूस बैकफुट पर आ गया। उसने फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि फीफा, इसका अर्थ हुआ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, के साथ यूरोप के देशों के फुटबॉल संघ यूरोपियन ऑफ यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन के लगाए प्रतिबंधों को खत्म करने की अपील को वापस ले लिया। जिसकी जानकारी दी इस अपील की सुनवाई करने वाली CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने, जो खेलों के विवादों को निपटाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जहां फीफा और कुछ दूसरे देशों के लगाए गए बैन के खिलाफ रूस ने गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने बताया कि 30 मार्च को फुटबॉल यूनियन ऑफ रूस ने CAS दफ्तर से अपनी अपील वापस ले ली, इसलिए अब सुनवाई की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यूक्रेन युद्ध के दौरान फीफा ने रूस को बड़ा झटका देते हुए 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, जबकि प्रतिबंध लगने के बाद कई दूसरे फुटबॉल संघों ने भी रूस के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। इसी कार्रवाई को रूस ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चुनौती दी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो पीछे हट गया।